आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 2 महीने बाद आतंकवादियों ने फिर हरकत शुरू कर दी है। धमाके के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करते हुए आरोपी आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। वहीं दूसरी तरफ घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि डीसी ऑफिस की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका और वो फरार हो गए। इस हमले में एक पत्रकार समेत 10 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों में 12 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं एलओसी से भी पिछले कई दिनों से आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 2 अलग-अलग जगहों पर एक साथ मुठभेड़ की घटना सामने आई थी। इस घटना में 6 आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें से 3 पाकिस्तानी नागरिक थे। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो गया था, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी भारत में बड़े हमले की तैयारी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ 3 और बिलेटरल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला है। पिछले 1 साल में हमने वीडियो लिंक से 9 प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। आज के 3 प्रोजेक्ट्स को जोड़कर 1 साल में हमने 1 दर्जन संयुक्त प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की ये 3 परियोजनाएं 3 अलग-अलग क्षेत्रों में, लेकिन इन तीनों का उद्देश्य एक ही है और वो है हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना। यही भारत बांग्लादेश संबंधों का मूल मंत्र भी है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी साझेदारी को प्राथमिकता देता है। हमें गर्व है कि भारत बांग्लादेश संबंध 2 मित्र पड़ोसी देशों के बीच सहयोग का पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के साथ 3 और बायलेटरल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का आज मुझे फिर एक बार मौका मिला है। पिछले 1 साल में हमने वीडियो लिंक से 9 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। आज के 3 प्रोजेक्ट को जोड़कर 1 साल में हमने 1 दर्जन ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। पीएम मोदी ने कहा, ढाका के रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद भवन का प्रोजेक्ट 2 महान मानवों के जीवन से प्रेरणा लेता है। हमारे समाज और मूल्यों पर स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी का अमित प्रभाव है। शेख हसीना ने इससे पहले शुक्रवार को इंडिया इकोनॉमी समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दक्षिण एशियाई देशों को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि बहुलवाद ही इस क्षेत्र की ताकत है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। नई शराब नीति के साथ नई कॉलोनी नीति को भी हरी झंडी दी गई। कैबिनेट में बताया गया, विधवा पेंशन का भुगतान दीपावली से पहले किया जाएगा। जबलपुर एयरपोर्ट को अतिरिक्त जमीन देने का फैसला भी किया गया। मुंबई के मध्य लोक भवन को पर्यटन विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वन्य क्षेत्रों के पास कम कमरे के रिसॉर्ट को भी बार लाइसेंस दिया जाएगा। अभी रिसॉर्ट बार लाइसेंस के लिए 25 कमरों की शर्तें हैं, इसे कम किया जा सकता है। अब बार लाइसेंस सिर्फ 1.5 लाख रुपए में मिलेगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई नीति को बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसमें होटल, रिसॉर्ट और हेरिटेज होटल की स्थापना के लिए नामी ग्रामी ब्रांड को आकर्षित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यटन में जहां होते हैं जो रोजगार लोगों को मिल सके, तो उसमें एक ही आया था कि 50% मध्य प्रदेश के लोगों को दिया जाए। उसको मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने कर दिया कि नहीं, 70%। उनका कहना है कि इसमें जो एक्सपर्टाइज चाहिए लोग वो नहीं मिल पाएंगे। प्रपोजल आया था, लेकिन प्रपोजल को रेस्ट करते हैं, उसको चेंज कर दिया कि जो 70% का मुख्यमंत्री जी का है
कि रोजगार में चाहे उनको ट्रेनिंग देना पड़े, अलग से ट्रेनिंग करना पड़े, लेकिन 70% का जो स्टैंड है। उल्लेखनीय है कि आईटीसी कंपनी प्रदेश में होटल के क्षेत्र में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ बैठक कर चुकी है। वहीं नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे सुविधा केंद्रों की स्थापना और संचालन के नियमों में भी बदलाव करके निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के शहरों में कॉलोनियां बनाने के लिए 2 हेक्टेयर की जमीन की बाध्यता खत्म कर होने से रियल एस्टेट के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। कम जमीन होने पर भी हाउसिंग कॉलोनी विकसित की जा सकेगी। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार से किसान परेशान है और सरकार सिर्फ अंबानी पर मेहरबानी कर रही है। एक उद्योगपति दूसरे उद्योगपति की क्यों सहायता करना चाहता है, ये सोचने वाली बात है। किसानों से मात्र छलावा किया जा रहा है, जब जनता के हित की बात आती है ये सरकार षड्यंत्र करके ध्यान भटका देती है। किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करने की बात आई तो सहकारिता के अधिकारी और कर्मचारियों को भ्रष्टाचारी बता दिया गया, लाल पीले हरे कार्ड बंटवा दिए गए, पर कर्ज माफ नहीं किया गया। इसके बाद प्रदेश एक बार फिर बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गया। ओला सोयाबीन तिल की फसल बर्बाद हो गई। अब जब अतिवृष्टि के कारण किसान बर्बाद हो गया है और सर्वे की जरूरत पड़ी तो पटवारियों को भ्रष्टाचारी बताकर सर्वे का काम ही ठप कर दिया गया। वारी कमलनाथ सरकार। जब भी किसान के हित की बात आती है तो कमलनाथ सरकार एक षड्यंत्र करती है। 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात आई तो सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को भ्रष्ट बता दिया, लाल नीले पीले हरे फार्म भरवाए, आज तक 2 लाख रुपया माफ नहीं हुआ। आज प्रदेश बाढ़ की चपेट में है, उड़द की सोयाबीन की तिल्ली की फसल बर्बाद हो गई, सर्वे की बात आई तो पटवारियों को भ्रष्ट बता दिया। एक तब किसान की परेशानी, दूसरी तरफ अंबानी पर मेहरबानी, समझ में नहीं आ रहा उद्योगपतियों को एक उद्योगपति मित्र क्यों सहायता देना चाहता है और किसान के साथ क्यों छलावा करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव में जन जागरण और जनसंपर्क अभियान की बैठक आयोजित की, जिसमें अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक फैसले को लेकर चर्चा की गई। बैठक में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजादी की बात से लेकर आज तक कांग्रेस ने राम जन्मभूमि की ओर देखा तक नहीं। कांग्रेस हमेशा से ही अवसरवादी पार्टी रही है, इसके नेता चुनाव आते ही हिंदुत्व की ओर भागते हैं, जिन्हें उदाहरण कर लेते हैं। कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर बनाने में बाधा पहुंचाई है, भाजपा राम के कदमों पर चलने वाली पार्टी है। राम सेतु को तोड़ने वाले, निर्णय लेने वाले, राम का अपमान करने वाले, ये ऐसे लोग हैं जो धर्म और धर्म से विपरीत आचरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कदमों पे चलने वाली पार्टी है। ये तो अवसर मिलता है तो जनेऊ दिखाने लगते हैं, अवसर मिलता है तो मंदिर जाते हैं। गौरतलब है रमन सिंह ने ये बयान कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के भाजपा पर राम के नाम पर चंदा बटोरने और मॉब लिंचिंग वाले बयान को लेकर दिया। प्रदेश में 82% आरक्षण के मामले में रमन सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगी है जिसमें कोर्ट ने रोक लगा दी है, ये प्रदेश सरकार को झटका है। रमन सिंह ने कहा कि ये कोर्ट का निर्णय है, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। वहीं हनी ट्रैप के मामले में रमन सिंह ने कहा कि एसआईटी का गठन हो गया है, मामला चल रहा है, जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। कमलनाथ जी, आपके शासन को कहने को 10 महीने का समय बीत गया है, लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे लगे कि सिस्टम पटरी पर आ रहा है। आपके बेपटरी होते सिस्टम के कारण मंत्री से लेकर आम लोग तक अब सब परेशान है। इस खबर पर नजर डालें तो पता चलता है कि आपके सीनियर मंत्री गोविंद सिंह कह रहे हैं कि आपके स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी अपने काम ही नहीं करवा पाते। पता नहीं आपकी सरकार में हो क्या रहा है। एक रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़ा वाक्य आपके स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के सामने ग्वालियर में पेश किया गया। शैक्षणिक अव्यवस्थाओं का जायजा लेने आए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी समेत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उस समय आवक रह गए जब एक वृद्ध महिला उनके पैरों में गिर-गिर कर इंसाफ के लिए गुहार लगाने लगी। इस महिला का रो रो कर बुरा हाल था। यह महिला सहायक शिक्षक जगदीश सिंह यादव की पत्नी बिमला देवी है। जगदीश यादव का आरोप था कि उनकी नौकरी को 34 साल हो चुके हैं, लेकिन अब उनकी नियुक्ति को फर्जी करार देते हुए बीते 20 महीने का वेतन रोक रखा है जो करीब 10 लाख रुपए बनता है, और आपकी सरकार के संकुल प्राचार्य पीसी गुप्ता वेतन रिलीज करने के आवज में इस शिक्षक से 2 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं।
महिला द्वारा जोर जोर से रोने के कारण मंत्री चौधरी और वहां मौजूद सभी अधिकारी असहज हो गए। लोकायुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत व प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी खुद महिला को चुप कराने की कोशिश करती रही, लेकिन वो महिला अपनी पीड़ा के कारण रोना बंद ना कर सकी। इसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्रकरण समझने के लिए निर्देशित कर दिया गया। सूत्र कहते हैं इस मामले को ठंडा करने के लिए देर रात संकुल प्राचार्य पीसी गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। लेकिन हुक्मरानों, सवाल तो इस घूसखोर सिस्टम का है कि आम लोगों को परेशान कर उनसे पैसा वसूली करना कहां तक उचित है। कमलनाथ जी, लोगों ने सिस्टम ठीक करने के लिए आपको सत्ता की चाबी सौंपी है, अब आपकी बारी है कि आपको जैसे ही तबादला करने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा ध्यान इस भ्रष्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए भी दीजिए। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने शनिवार को कृषि उपज मंडी के आगर मालवा से रिटायर्ड सचिव आनंद मोहन व्यास और उसके भाई परमानंद व्यास के घर पर छापा मारा है। परमानंद व्यास वर्तमान में सुजालपुर कृषि उपज मंडी में अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ हैं। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने भोपाल, पचौर, सुजालपुर में एक साथ छापामार कार्रवाई की है। स्थानीय सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार भोपाल में उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी शैलेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में टीम ने होशंगाबाद रोड स्थित कोरल वुड कॉलोनी में एक फ्लैट में छापा मारा है। कार्रवाई में टीम को अभी तक अलग अलग जगह खरीदी गई जमीन के दस्तावेज, बैंक लॉकर, कई गाड़ियां, सोने चांदी के जेवर भी मिले हैं। तीनों स्थानों पर अभी कार्रवाई जारी है। वहीं भोपाल में मिसरौद स्थित C21 मॉल के सामने भाई आनंद मोहन के घर पर भी लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। दौरान एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। घटना लवकुश नगर थाने के मुंडेरी गांव की है, जहां एक चौक समारोह के दौरान शामिल होने आए अतुल सिंह ने कट्टे से हर्ष फायरिंग कर दी, जिससे पास खड़े दयाशंकर रजक को गोली लग गई। गोली लगते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चौक समारोह में अफरा तफरी मच गई और खुशियां मातम में बदल गई। अचानक फायर हुआ, लग गया। किसने किया था? ठाकुर। क्या कार्यक्रम चल रहा था? पूजा पूजन का कार्यक्रम। लोगों ने गोली चलाने वाले अतुल सिंह को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह की हुई फायरिंग में बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री की जान जाते जाते बची, जबकि प्रशासन ने हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा। रात में करीबन 10:45 बजे सूचना मिली कि हर्ष फायरिंग के दौरान एक आशा दीन कुशवा है, उसके बच्चे का कुआ था, तो वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, तो एक ठाकुर का लड़का है अतुल सिंह, उसने कट्टे से फायर कर दिया। मौके पर रात में पुलिस पहुंची गई थी, मुलजिम को जो है गांव वालों की मदद से पकड़ लिया गया है और जो है हर्ष फायर के दौरान गोली चली है, उस पर हमने धारा 304 का मुकदमा कायम कर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लूट की वारदात के बाद घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही अलर्ट जारी किया गया है। बेमेतरा से लगे सभी जिलों में नाकेबंदी कर सघन जांच की जा रही थी कि तभी पुलिस की एक टीम को खबर मिली कि लुटेरे कुछ ग्रामीणों के हाथ लग गए हैं। चारों के पास से कैश भी बरामद कर लिया गया है। बागुल गांव के ग्रामीणों ने लुटेरों की गाड़ी पर पत्थर बरसाए और उन्हें काबू में कर लिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी गनमैन की राइफल लेकर फरार हो गए थे। घटना के वक्त मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि करीब 5 से 6 की संख्या में लुटेरे एक कार में सवार होकर आए थे और एटीएम वैन के सामने कार अड़ा दी थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान वैन पंचर होने के कारण सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। इसके बाद वे घटना को अंजाम देकर वहां से भागने लगे। जब लुटेरे भाग रहे थे उस वक्त ग्रामीणों ने उन्हें रोकने के लिए पत्थर भी मारे, लेकिन लुटेरे इसकी परवाह किए बगैर नवागांव की ओर भाग गए। बागुल गांव में इन लुटेरों का सामना ग्रामीणों से हुआ तो ग्रामीणों ने पत्थर बरसाकर इन लुटेरों को काबू में कर लिया। इन
इस मामले में कैश वैन के अचानक पंचर होने और फिर इस तरह लुटेरों के हमला बोलने की इस घटना को लेकर पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। घटना के दौरान वैन में गनमैन भी मौजूद था, इसके बावजूद घटना कैसे हुई, पुलिस हर पहलू से घटना की जांच कर रही है। छतरपुर के नौगांव में एक किसान ने रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। किसान किशोरी लाल ने रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलते ही तहसील के गेट के पास सल्फास की गोली खा ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह वहीं गिर गया। तबीयत बिगड़ते ही एसडीएम और तहसीलदार किसान को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय किशोरी लाल रैकवार अलीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत टीला का रहने वाला है। किसान की पत्नी ने आरोप लगाया है कि गाँव के एक दबंग प्रबल प्रताप सिंह ने उसकी जमीन की फर्जी तरीके से 11 अगस्त को रजिस्ट्री करवा ली है। तभी से उसका पति परेशान था और अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था। सुनवाई ना होने से उसने यह कदम उठाया है। कब रखी थी? अब 11 तारीख को आपको वहाँ बोलने पड़ेगा साहब के सामने कि हमने पैसा लिया है उनसे। हमने कि हमने पैसा गाने ना मांगा लिया कल। हाँ यदि बोलना पड़ेगा आपको, उसे नहीं सब बोला होगा कि रेस्ट कर ली हम लोग से। और 3 दिन से हम इनके पास पीछे फिर रहे कि सब भैया पैसे ले लो हमसे, पैसा भी ले लो हमसे और रेस्ट वापस कर दो हमारी। वहीं एसडीएम ने मामले की गंभीरता समझते हुए पूरे मामले में जांच के आदेश कर दिए हैं। रजिस्ट्री को लेकर किसान परेशान था, उसके जहर खाने के बाद पुलिस ने भी मामले की जाँच शुरू कर दी है। उसका ऐसा कहना था कि उसने रजिस्ट्री नहीं कराई थी, जहर नामा लिखवाया था और पंजे में रजिस्ट्री कर दिया। और उसने जो भी 5 लाख शराब जो उधार लिए जैसा उसका कहना था, बाद में उसने कहा होगा कि भाई आप पैसा वापस कर लो, हमें रजिस्ट्री कर उसने मना कर दिया होगा। इसी मुद्दे पर उसने सलबास की एक बोली। इंटरनेशनल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस में दुनिया की पहली रोबोट नागरिक सोफिया शामिल हुई। सोफिया को अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता दी गई थी। सोफिया ने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। सोफिया पर्यावरण को लेकर कुछ ज़्यादा ही जागरूक नजर आई। इस खास गैस को देखने के लिए कॉन्फ्रेंस में मौजूद हर व्यक्ति उत्साहित नजर आ रहा था। स्टेज पर जब उनसे सवाल जवाब पूछे गए तो सोफिया ने अपने ही अंदाज में उनके जवाब दिए। कुछ जवाबों ने वहाँ मौजूद लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। हैंसन रोबोटिक ह्यूमनाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट सोफिया को तैयार किया था। जब उन्हें सऊदी अरब की नागरिकता दी गई थी तो उन्होंने खुद इसकी घोषणा की थी और कहा था कि मैं अपनी पहचान पाकर काफ़ी सम्मानित महसूस कर रही हूँ। सोफिया हमेशा यही चाहती हैं कि वह आम लोगों के साथ रहें, उन्हें समझें और इसके साथ ही मनुष्य की तरह ही भावनाएँ भी प्रकट कर पाएँ। And while it is true that a cookie can be checked, I bet every single one of you could eat me a Kit Kat saying, also just taking. What's it like being a human? इंटरनेशनल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस में कई जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। कॉन्फ्रेंस में 55 देशों के करीब 1000 छात्र छात्राएं देश विदेश से शामिल होने आए हैं। इस कार्यक्रम में कैलाश सत्यार्थी ने कहा, जीवन को बेहतर करने के लिए 3D यानी 3D का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डी को ड्रीम माने, इसके लिए हमें थोड़ी बड़ी सोच रखनी होगी, इसी के हिसाब से हमें तैयारी करना होगी। दूसरी डी डिस्कवर है, सपनों को साकार करने के लिए अपनी क्षमताओं को पहचाने। तीसरा डी है डू, आप खुद को कभी कमजोर या किसी के जैसा होने का एहसास न करें, आप अपने आप में अपने हीरो हैं। भोपाल में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और विगत कई वर्षों से जवाहर चौक पर भी मां जगदम्बा की झांकी स्थापित की जा रही है। इस झांकी के आयोजक साल भर नवरात्र का इंतजार करते हैं और फिर कुछ नया करते हैं। आयोजकों ने बताया कि इस बार मां जगदम्बा की मूर्ति में कुछ विशेष किया जाए, इसे देखते हुए हमने नोटों से माता को सजाने का निर्णय लिया और लोगों को यह नवाचार पसंद आ रहा है। मां जगदम्बा की मूर्ति पर 21,000 रुपए के नोट से उनकी वेशभूषा को तैयार किया गया है। सभी लोग यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं। विसर्जन के दिन सभी नोटों को निकाल लिया जाएगा और इन्हें किसी पुण्य काम में खर्च किया जाएगा। पब्लिक की डिमांड से इस बार नोटों की मूर्ति बनवाई गई है और ये जवाहर चौक पे बिठवाई गई है। काफ़ी वर्षों की यहाँ मूर्ति बिठाई जा रही है, हर साल हम कुछ नया करना चाहते हैं। इस बार हमने गणेश जी के सिक्कों के बनवाए थे, इस बार हमने मूर्ति 21,000 नोटों की बनवाई गई है। तेरा पूजा
मंत्री जीतू पटवारी का पटवारियों को घूसखोर बताने वाले बयान पर माफी की मांग को लेकर पटवारियों की हड़ताल जारी है। हरदा जिले में 208 पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे फसल और बीमा सर्वे का कार्य बंद हो गया है। पटवारियों ने राजस्व कार्यालय में अपने बस्ते जमा कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से राजस्व संबंधी सभी जमीनी काम ठप हो गए हैं। मौसम से खराब हुई फसलों का सर्वे व फसल बीमा योजना का काम बंद होने से किसानों को दोहरा नुकसान हो सकता है। किसानों से लेकर आम लोगों के भूमि विवाद, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्रों के सर्वे और अन्य कार्य भी पटवारी के माध्यम से ही होते हैं, जो कि हड़ताल की वजह से रुक गए हैं। वहीं पटवारी संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री अनुराग करोलिया ने कहा कि मंत्री जीतू पटवारी ने पटवारियों पर बेबुनियाद तथा झूठे आरोप लगाए हैं। पटवारियों को मानसिक रूप से कष्ट पहुंचा है। जब तक सार्वजनिक रूप से वे अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते, हड़ताल जारी रहेगी। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी द्वारा पटवारी संवर्ग को पूर्णतः 100% भ्रष्ट बताया गया था, जिसके विरोध में हम लोगों ने 3 दिन का ज्ञापन देकर अवकाश लिया था और उसके पश्चात हम लोग दिनांक 3 थाईलैंड में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी मसाज की शुरुआत की। वहां से चला ये सिलसिला अब कई देशों में पहुंच गया है। इन दृश्यों को देखेंगे तो आपकी भी हाथी मसाज करवाने की इच्छा होने लगेगी। इस लड़की को देखिए, हाथी अपनी सूंड से आहिस्ता आहिस्ता इसकी मसाज कर रहा है। सूंड से मसाज के बाद हाथी अपने पैर का भी इस्तेमाल करता है। मामला यही नहीं थमता है, मसाज वाला आने वाले को टोपी पहना भी सकता है और टोपी उतार भी सकता है। अरे ये देखिए, गर्दन में दर्द हो तो ये मसाज वाला आपकी गर्दन को हिलाकर उसे भी ठीक कर सकता है। तो आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि ऐसा मसाज वाला किस्मत से ही मिलता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।